क्वेश्चन नंबर 101 देखो क्या लिखा है। इफ़ टू डाइस आर थ्रोन, अगर दो डाइस को फेंका जा रहा है तो टोटल रिजल्ट हमारे पास कितना मिलेगा, 36। क्या लिखा है, एटलीस्ट ना, एटलीस्ट कैसे आपका लिखा है, जो एटलीस्ट वन ऑफ द डाइस शोज फाइव, एक डाइस क्या दिखाता है, पाँच दिखाता है, देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज़ 10 और मोर इज, इस बात का क्या चांस है कि जो दोनों डाइस का जो सम आएगा कितना आएगा, 10 या 10 से ज़्यादा। ठीक है, तो ये आप आई थिंक आपका एक आज क्वेश्चन है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है, एक इवेंट हो चुका है तो दूसरे इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया, लेट ए इज इक्वल टू एटलीस्ट वन डाई सोज फाइव, कम से कम एक डाई पाँच दिखाता हो, इसका मतलब पाँच आने कितना हो सकता है, या तो 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6, ऐसे हमारे पास है जिसमें एक बार पाँच या तो दो बार पाँच आता है, क्योंकि एटलीस्ट वर्ड बोला है, तो एटलीस्ट वर्ड में क्या होगा, एक बार भी होगा और कितना होगा, दो बार वाला भी इसमें होगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास बी, बी हमारा क्या बोला है कि सम इज़ 10 और मोर, जो सम है वो 10 या 10 से क्या ज़्यादा होना चाहिए, तो इसमें से हमारे पास जो बी हमने इवेंट लिया है 5 6 4 6 4 6 6 5 6 5 6 6 6, सब में 10 से ज़्यादा है। अब इनका इंटरसेक्शन गाइस हमारा क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, 5 6 6 5 एंड 5 6 6 5 गाइस, ठीक है, एंड गाइस 6 5 या 5 5 6 या 6 5, यहाँ पे 5 5 5 5 भी आपका हो सकता है गाइस। ठीक है, तो अब हमें निकालना है इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी व्हेन ए हैज़ ऑलरेडी बीन अकर्ड, ए पहले से हो चुका है, मतलब एक डाई पे पांच पहले ही से आ चुका है, इस बात का क्या चांस है कि उनका सम जो होगा दोनों का वो कितना ना चाहिए, 10 या 10 से ज़्यादा, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपन पी ऑफ बी, तो इसका कितना होगा, इसमें कितने हमारे लोग हैं, 1 2 3, तो 1 2 3 मतलब 3 अपॉन 36, नीचे कितना हो, इसमें कितना, ए में कितने हैं, 11 है, तो 11 अपॉन 36 36 36 कैंसिल आउट होगा, तो 3/11 आएगा, तो इस तरह से हमारा जो गाइस आंसर आएगा सी ऑप्शन सही होगा, 3/11।